अर्चना अच्छा बढ़िया नहीं बढ़िया तुम्हारा बहुत बढ़िया है। पता है बढ़िया किसका नहीं? मुझे क्या मालूम, गौरव जून से पूछो क्या एक्टिंग करता है। जस्ट इन केस तुम कल मैंने डाली नहीं थी भीड़, तो ये कल की ही न्यूज़ है कि गौरव जून पहुंच गया जुम्मा चुम्मा करने के लिए और अपने कैमरामैन के घर पे। फिर कहता अरे जुम्मा नीचे आ। वो नहीं है आए बराती आए दूल्हे राजा गोरी खोल, वो आ भी गया। दो हाथापाई करने की एक्टिंग कर रहे हैं और मैं साइड में खड़ा होकर कह रहा हूँ वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। और मेरे समझ में नहीं आया, अगर तू लड़ने ही गया है वो भी इंस्टाग्राम लाइव स्ट्रीम पे, माँ को लेके कौन जाता है बे? अभी तुम कभी कभी कोई सी लड़ाई देखी तुमने कि माँ को लेके जा रहे हैं लड़ने? माँ तो अब इन्वॉल्व होती थी, या तो लड़ाई हो चुकी है और पिट चुके हो तुम, वरना कहाँ गई माँ? चलो बड़ी गुंडी माँ। और माँ की ममता जागी भी तभी जब गौरव के कॉलर पकड़े गए, उससे पहले गौरव पकड़ा था तब माँ बैठी हुई है ठंड है बाहर, बेटा लड़ रहा है आपका लड़ने दो ठंड है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कल सबसे इंटरेस्टिंग यही था। मैं क्या है इस पर क्या फुद्दू बना है, मैं फुद्दू बातें नहीं करता, मैं माँ फुद्दू बातें करता हूँ, बट इसलिए मैंने इस कल वीडियो नहीं डाली। कल मेरा मन नहीं था, मन तो आज भी नहीं है। अब उठा मैं खाना खा लिया और खाना खा लिया तो फिर आ गया आलस। अब आलस आ गया है तो आलस आलस में वीडियो निकालेंगे, तभी ज़्यादा मज़े नहीं ले पाए हूँ। ये कम मज़े थे, बहुत मज़े ले सकता हूँ मैं। बट जट प्रभजोत की तरफ से काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई है कि फाइनली उनको कोर्ट की तरफ से बेल मिल चुका है नेपाल में, और अब वो इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा, उसकी पूरी व्लॉग देखी मैंने, हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है यार उस बंदे की। सारे लोग कोर्ट से आ गए हैं, जीजू कोर्ट ही हैं, बाकी लोग आ गए हैं, और कोर्ट ने अभी बेल पे मेरे को रिहा कर दिया है। जो केस है हमारा वो ख़त्म नहीं हुआ, उसके लिए जब मैं पूरा ठीक हो जाऊँगा इंडिया जाके 3-4-5 महीने बाद, तब मेरे को एक बारी या दो बारी दोबारा आना पड़ेगा, तब का तभी देखेंगे। 3 महीने बाद लेकिन अभी उन्होंने मेरे को बेल दे दी है, अभी मैं इंडिया ट्रैवल कर सकता हूँ। मतलब एक वो होता है ना कि बेल मिल गई है मैं इंडिया जा सकता हूँ, लेकिन फिर भी ना मेरे को अंदर से वो खुशी नहीं है, पता नहीं क्यों। अरे इस ब्लॉग में ना एक सेक्शन आता है जहाँ पे शायद इसका जीजा था जो कहता है ना कि ऑफ द रिकॉर्ड जज ने बोला कि उसे पंजाबी और सिख से काफ़ी लगाव है। मैं कहा ये लीगली सही रहेगा कैमरे पर बताना कि जज सिंपति दे रहा है, जज अच्छा है और पंजाबियों से प्यार है। बट ठीक है, जट प्रभजोत है कहाँ का, दिल्ली का है क्या? बट वही है भाई साहब, कितना एक्सपेंस हो गया ना नेपाल में। मतलब नेपाल एज कम्पेयर टू इंडियन रुपीज़ तो फिर भी ठीक है, बट खर्चा तो बहुत ज़्यादा हो गया यार, हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, होटल, ट्रैवलिंग, एम्बुलेंस। बट ठीक है, बंदे की हेल्थ तो सही, अच्छी बात है। हाँ ऐसी बात करते हैं, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और वैसे भी आज मैं इतना आलस में हूँ ना, आज तुम कर सकते हो हैशटैग आलसी यानी। सब लोगों का चलता है ओपी यानी ना आलसी यानी। यदि 30 साल की उम्र के बाद ना कहीं पे भी दर्द शुरू हो जाता है, सुबह सही था, अब फिर यहाँ पे दर्द कर रहा है। बाकी ये आफ्ताब पुणे वाला जो केस चल रहा है, अरे जो भी है, अबे पुणे वाला नहीं, मतलब जो भी नाम है उसका, हाँ पूना वाला ही तो है, तो उसके उसका समझ में नहीं आ रहा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मतलब कोर्ट केस चल रहा है उसका। एक आर्टिकल पढ़ा गया कि उसके जो रूम है उसमें क्या है, किचन में खून के निशान मिल गए। मैं ठीक है, फिर मैं दूसरा आर्टिकल पढ़ा कि जो लॉयर है बंदे का, आफ्ताब का, वो कहता है कि मेरे क्लाइंट ने एक्सेप्ट नहीं किया है, कन्फेस नहीं किया है कि उसने मर्डर किया है। और ये सेम न्यूज़ वाले 4 घंटे बाद एक और डालते हैं कि आफ्ताब ने कबूल कर लिया कि उसने मर्डर किया है। हैं, चल क्या रहा है इतने दिनों से? फिर चार घंटे में ही तुमने कहानी बदल दी, इतने दिनों से उसको खूनी खूनी कह के चला रहे सब। मैं उसी चीज़ पे गुस्सा था कि रोनाल्डो और मेसी की जो फोटो थी वो एडिटेड है, फोटोशॉप किया हुआ है, दोनों अलग अलग लोकेशन में बैठे थे, फोटोशॉप करके साथ बैठा दिया। ये कन्फ्यूज के जा रहे हैं, ये क्या बात है, ये तो गलत बात है। कड़े शब्दों में निंदा, बहुत ज़्यादा पेन। पर निंदा की बात करें तो रणवीर सिंह की बात करते हैं। अभी वो गया हुआ है, F1 रेसिंग चल रही थी कहीं पे, तो इज्जत तो करा नहीं है। पहले उसैन बोल्ट के साथ था, कहते भाई भाई, फिर एकॉन से मिला तो एकॉन से गवा रहा है, यू अम्मा चमक चलो, अरे क्या है ये, क्यों है ये? और इतना सब कुछ करने के बाद जिस इवेंट पे गया था उसमें एक रिपोर्टर उसे पहचाना ही नहीं। अब इस पे उसने बहुत प्यार से उसे बता दिया कि मैं बॉलीवुड एक्टर। अब इस पे लोग कहते हैं हम्बल है। और फिर मेरे जैसे लोग कहते काय का फेमस में फालतू में कलर सतरंगी बन के घूमता रहता है, कोई जान चाहिए तुझे? मैं कोई काम धंधा नहीं है, घर पे बैठो खाना वाना खाओ, आलस में आओ, इंजॉय करो अच्छे से, मैं कर रहा हूँ ना भाई साहब, मौत आ रही है बोलने में मुझे। बड़ा छुट्टी मार नहीं सकता था क्योंकि कल मार चुका हूँ, हाँ कुछ और मिलता नहीं ना मारने के लिए, तो आजकल छुट्टियाँ ही मार सकता हूँ मैं।
हाँ छुट्टी से मिलता जुलता चीज़ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसको समझ में आया ठीक है लीवा लाइक, जिनको नहीं आया जॉपू को देखो तुम्हारे काम का नहीं है चैनल। काम से याद आया उर्फी जावेद न्यूज़ में क्योंकि अब पहले मोबाइल के साथ आई थी, मोबाइल कपड़े पहन के, अब ग्लास के साथ आई है। मैं कहा ट्रांसपेरेंट होते थे ग्लास कल तक, तो ये सफ़ेद सफ़ेद कैसे हो गए? अच्छा पीछे जो है तो अच्छा बहुत घटिया जगता, बट ये फिर भी ठीक है क्योंकि मैं अपने जोन में रह के बोल रहा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं अभी भी, जो मैंने वो करे, जो डालना है डाले, जो पहनना है पहने। बट चेतन भगत बोलता है कि उर्फी जावेद की फोटो देखिए अपने फ़ोन वाली, ये साबित करता है कि हमारा जो यूथ है वो डिस्ट्रैक्टेड है। अच्छा 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 उसके कपड़े या उसके पहनने के फैशन स्टेटमेंट से यूथ डिस्ट्रैक्टेड है, वो जो टिकटॉक और रील्स देख रहे हैं उससे नहीं हो रहे साले, थ्री इडियट्स, गजब बेइज्जती है। इसके अलावा मानुषी चिल्लर है, हाँ चिल्लर बट गया उसका, वो किसी बिजनेसमैन को डेट कर रही है ऐसी अफवाह है, तो उन्होंने रिपोर्ट छाप दी। वो नहीं अपना मुन्ना भैया मिर्ज़ापुर के, तो उनसे बात कर रहे थे, तो बात थी कि पंचनामा 3 अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ, तो कहता कि हाँ मुन्ना भैया और कार्तिक आर्यन दोनों पंचनामा 3 में आ सकते हैं। आर्टिकल पढ़ने गया, कहता नहीं अभी तक तो ऐसी कोई अप्रोच नहीं है, बट पहली फिल्म पास होती है, बट अगर ऐसा हुआ तो मैं काम करना चाहूँगा। ये डायलॉग है टाइटल, पंचनामा 3 में होंगे साथ में अबे। और कार्तिक आर्यन आज उसका बर्थडे है, तो शहजादा का टीजर लॉन्च कर दिया उन लोगों ने, आज बहुत सारे टीजर लॉन्च हुए हैं 24 घंटे के अंदर, अभी सारे लोग ना इस पर शुरू हो गए यार देखना ना 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 अल्लू अर्जुन वाली बात नहीं है, वो मिसिंग लग रहा है। अबे तो हिंदी डब देख लियो ना तू, मेरे को पता हिट जाएगी फिल्म, मास एंटरटेनर है यार, स्टोरी स्क्रिप्ट राइटिंग सब, अगर तुम हिंदी डब भी देखोगे तुम इन्जॉय करोगे। मैंने तो हिंदी डब ही देखी थी एक्चुअली, पहले मैंने वो सब टाइटल के साथ देखी थी, फिर मैंने हिंदी डब देखी, तो कहते नहीं नहीं यार अल्लू अर्जुन मिस कर रहे हैं। हाँ तो दृश्यम 2 में मोहनलाल मिस नहीं कर रहे थे तुम? नहीं मोहनलाल ने अच्छा काम किया, बट अजय देवगन ओहो, अक्षय खन्ना ओहो, साला 75 करोड़ का मार दिया तुमने। अब KRK के पास गया है कोई कि भाई अब बोल आ गया स्वाद, देख कमा रही है फिल्म अच्छा खासा। कहता तू पाकिस्तानी, तू हमारे काम में क्यों बोल रहा है? क्यों उसकी आँखें नहीं है, है? उसे प्रॉब्लम नहीं होगी, तो तू हर चीज़ को गलियाता है, बट खुद गलत हो जाएगा तब कब एडमिट नहीं करेगा। अपनी प्रेडिक्शन दी थी कि बाहर हो जाएगा वर्ल्ड कप से इंडिया से, इंडिया बाहर होगी हम लोग सैड। वो खुश है, देखो मेरी प्रेडिक्शन सही, कुत्ता है तू साले। क्या कमीना दिन आ गया है, कुत्ता कमीना गालियां दे रहा हूं मैं फैंचुद। कुछ भी। इसके अलावा अब हनुमान का टीजर रिलीज हुआ है, अब उस पर भी लोग रो रहे हैं। मैं कहा एक चीज तारीफ करने वाली कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि सबको मालूम है क्यों बना रहे हो वीडियो, व्यूज के लिए, तो दोनों साइड में कंप्लेन मारेंगे। अभी एक और मतलब हनुमान के बारे में तो बात ही नहीं करूंगा, उसके VFX लेके सारे बात कर रहे थे। एक आई है मूवी संजय मिश्रा की युद्ध, नहीं सॉरी वध करके, पहले नीना गुप्ता उसमें संजय मिश्रा है, पहले मुझे लगा कॉमेडी रोल है, फिर जैसे जैसे ट्रेलर बढ़ा ना मैं कहा भाई साहब ये तो मर्डर मिस्ट्री चल रही है। जितने भी तुमने टीजर ट्रेलर देखे होंगे ना 24-48 घंटे में, उसमें सबसे बेस्ट मुझे वध का ही लगा है। इसके अलावा भोला का टीजर आ गया है, अजय देवगन की चौथी फिल्म है, राजू चाचा वाले राजू देवगन, राजू चाचा कम अबे चुप, कैसे अश्लील बातें कर रहा है, इज स्टिल सो वल्गर। इसके अलावा कुछ नहीं खास, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें क्या हुआ जो बंदे कूड़ा फेंक के चले गए ना, तो उनके पास स्टाफ नहीं था, तो उन्होंने जापान के लोगों से बोला ए तू साफ करेगा, मतलब ऐसा बोला नहीं बट उन्होंने अपनी मर्जी से सारे लोग जाने के बाद जो कूड़ा फैलाया था लोगों ने वो जापान के सिटीजन्स ने क्लीन कर दिया। मैं कहा ये तो जरूरत से ज़्यादा काम हो गया, मेरे घर में ही आ जाया करो, इतना ही मेहनत करने का शौक है तो मैं तुम्हारे घर में भी भेजूंगा, पहले मेरा घर तो हो, फ्री का एम्प्लॉय मिल रहा था, मैं क्या दिक्कत है। इसके अलावा कोई दूसरा बंदा था जिसने रेनबो कलर की टी शर्ट पहनी थी, मतलब रेनबो बना हुआ था, अरे क्या कहते उसे, अरे क्या कहते हिंदी में क्या कहते रेनबो को यार, सतरंगी नहीं यार, मैं रेनबो ही बोल रहा हूँ, अबे कुछ बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं तुम कमेंट करके बताना मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो उसके छपा हुआ था, तो इस बात पर उसे एंट्री नहीं दी, क्योंकि तुम्हें मालूम है ना उस रेनबो उसका साइन देते हैं LGBTQ+ का, तो उस चक्कर में उसको एंट्री नहीं दी। मैं कहा फीफा वालों फ्री एम्प्लॉय मिल रहा है, उसके बाद ये भेज दो, क्या पता ये बंदा भी साफ करने लगता, और नहीं करता तो कूड़ा तो करके जाता, अब अपना ही पैसा डुबा रहे हो अपने पैर पर। कुल्हाड़ी तो मैंने मारी है अपनी किस्मत पे, आज के वीडियो रिकॉर्ड करके भाई खुद तकलीफ हो रही है, क्या कर रहा हूँ मैं। सो अगर एंजॉय कर लिया हो तो मेरे को मोटिवेट करने के लिए लाइक कर सकते हो, बाकी मैं मिलता हूँ पता नहीं कब, पीस आउट।